Well, hello, welcome to another episode of Bollywood This Week. फिर मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर वन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अक्षय कुमार कमिंग आफ्टर टू बैक डिजास्टर्स एट द बॉक्स ऑफिस। नंबर वन बच्चन पांडे, नंबर टू द मैसिव डिजास्टर सम्राट पृथ्वीराज। Huge expectations for Rakshabandhan. Number one, the trailer, super duper hit. Rakshabandhan songs, chart busters, Tere Saath Hoon Main is absolutely brilliant. And Mera Kaam Dhane Kar Do Ek Baar Ji. वो गाना especially मेरा favorite है, कंगन रूबी। सारे के सारे गाने रक्षाबंधन के बहुत अच्छी तरीके से जनता ने यहाँ पर लिए है। एंड रक्षाबंधन के दिन भैया राखी पे, यानी कि रक्षाबंधन पे अगर कोई फिल्म आ जाए तो भाई सोने पर सुहागा। जितने भी लोग हैं especially the brothers and sisters, they will throng in the cinemas. Let's see, अब सुबह के शोज किस तरह से जाते हैं, लेकिन शाम होते होते रक्षाबंधन के अवसर पर ये फिल्म धमाका कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे। तो लेट्स सी गाइस, रक्षाबंधन क्या करती है बॉक्स ऑफिस पे। एंड सबसे बड़ा यूएसपी है इसका रन टाइम, 1 घंटा 50 मिनट। एक क्लैश में आपको पहले ही यहाँ पर अपर हैंड देता है। लेकिन गाइस चिंता का विषय यह है कि अक्षय कुमार की पिछली फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज 10.70 करोड़ की ओपनिंग ली थी, बच्चन पांडे 13.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अब गाइस रक्षाबंधन इज नॉट अ वेरी बिग फिल्म लाइक अ सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे। यस, इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म, अ फिल्म विद अ स्मॉल बजट विद अ बिग हार्ट। लेट्स सी गाइस रक्षाबंधन कितने की ओपनिंग लेती है। अगर क्लैश नहीं होता, आई वुड हैव क्लियरली टोल्ड अ वेरी बिग नंबर। लेकिन अब यहाँ पर क्लैश है, उसके मद्देनजर हम आज के प्रेडिक्शंस जो है आप सभी लोगों के सामने रखने वाले हैं। रक्षाबंधन की एडवांस बुकिंग पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ओपन हो चुकी है। जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर रक्षाबंधन की टिकट्स ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपकी सुविधाएं हो बुक कीजिए। बात करूंगा इस डे नंबर वन की एडवांस बुकिंग की, तो रक्षाबंधन ने भी 20 लाख के ऊपर की एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर कर ली है। यस फ्रेंड्स, द ग्रॉस इज 20 लाख व्हिच इज वेरी गुड। इतना अच्छा ट्रेंड मैंने सम्राट पृथ्वीराज के वक्त भी नहीं देखा था। तो गाइस जनता में इस फिल्म को लेकर उत्सुकता है, क्योंकि गाइस ये हफ्ता कोई फिल्म है नहीं। पिछले हफ्ते जो फिल्म आई थी वो पारिवारिक फिल्म नहीं थी भाई, समझिए भाई आप लोग। तो अब जो जनता है वो इंतजार कर रही है एक पारिवारिक फिल्म देखने के लिए। रक्षाबंधन का शुभ अवसर है, स्वतंत्रता दिवस है, बहुत सारे छुट्टियां आने वाली है, एंड जनता भरपूर इस फिल्म का जो आनंद है सिनेमा घरों में लेगी। बात करूंगा मुंबई की 18 शोज है, 8% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 103 शोज है, काफी बाप लेवल का यहाँ पे शो काउंट दिया गया है। 12% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु की बात करूं 8 शोज है, 10%, वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। कोलकाता 76 शोज में यहाँ पर 9% ऑक्यूपेंसी है, ब्रिलियंट। सूरत 12 शोज 3% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 21 शोज 10% ऑक्यूपेंसी। बात करो चंडीगढ़ की 6 शोज 8%। बात करो कानपुर की 6 शोज में यहाँ पे 6% है। इंदौर इज गोइंग रियली गुड, 5 शोज में 19% ऑक्यूपेंसी है। भुवनेश्वर 18 शोज है। तो जितने भी भुवनेश्वर के अकियंस है आप देखिए भैया इस बार आप क्या सेलिब्रेशंस करते हैं, देखने लायक रहेगा। हमेशा आपका सेलिब्रेशन एक अलग लेवल पर रहता है। ओके, तो गाइज भुवनेश्वर में 18 शोज में यहाँ पर 3% की ऑक्यूपेंसी है। गुवाहाटी में 6 शोज में 15% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूँ गाइज जलंधर की तो 6 शोज में 41% है। कोटा में 6 शोज में 9% की ऑक्यूपेंसी है। इसी का कारण है माई प्रेडिक्शन फॉर रक्षाबंधन ऑन इट्स फर्स्ट डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस 8 to 9 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, ये फिल्म 8 से 9 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रही है अपने पहले दिन, एंड सब कुछ निर्भर करेगा वॉक इन ऑडियंसिस पर। तो लेट्स सी गाइज दूसरे दिन इस फिल्म का असली खेल जो है पता चलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर थर्सडे क्लैश है, जनरली द ऑडियंसिस कम इन ऑन अ फ्राइडे। लेट्स सी थर्सडे या 8 से 9 ऊपर करोड़ का कलेक्शन करती है, देन गाइज ऑटोमेटिकली फ्राइडे सैटरडे संडे इसका, अरे भाई संडा बोल दिया भाई, अरे क्या बोल रहा भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे जो रहेगा इसका बहुत ही मजेदार रहेगा। मंडे बताएगा कि रक्षाबंधन एंड लाल सिंह चड्ढा में से कौन सी पिक्चर जो है वो विनर है। तो मंडे का इंतजार करेंगे। पहले 4 दिन तो बॉक्स ऑफिस पुल रहेगी, एक स्टार का सुपर स्टारडम बोलेगा कि कितना बॉक्स ऑफिस खींच सकता है, बहुत मजेदार रहने वाला है। थर्सडे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, स्टार पुल स्टार पावर थर्सडे के दिन। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।